इतिहास के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस दत्त की। नरगिस दत्त किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उनकी अदाकारी के आज भी लोग दीवाने हैं। जब इंडस्ट्री के खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात की जाती है तब नरगिस को जरूर याद किया जाता है। अभिनेत्री ने फिल्म बरसात, आवारा और आग जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ हिट जोड़ी दी थी। चलिए जानते हैं अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस हमेशा से ही अतुलनीय रही है। आज यानी 1 जून नरगिस की बर्थडे होती है। साल 1957 में फिल्म मदर इंडिया में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें गलत मुकाम पर पहुंचाया था। दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखना काफी पसंद करते थे। नरगिस उस जमाने की ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरा बल्कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया था। अभिनेत्री अपने जमाने की ऐसी अदाकारा थी जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार थी। फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। यही नहीं, नरगिस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। आपको बताते, नरगिस ने साल 1958 में अपनी फिल्म मदर इंडिया के सह कलाकार और अभिनेता सुनील दत्त से शादी की थी और बाद में अभिनय की दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। नरगिस का जीवन काफी लंबा तो नहीं चला। साल 1981 में अग्नाशय के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के ठीक एक साल बाद 1982 में सुनील दत्त ने उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की थी। आपको बता दें, 7 मई 1981 को नरगिस के बेटे की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर उनके लिए एक सीट खाली रखी गई थी। यही नहीं, 1970 के दशक की शुरुआत में नरगिस द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी। संगठन के साथ मिलकर उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज नरगिस तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के माध्यम से आज भी वो अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं और आज भी उन पर राज करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे इतिहास के अगले अंक में।